जी सर, आपके विद्यालय प्रांगण में अभी होली की उधम मची हुई थी, होड़ लगी हुई थी बच्चों के बीच में, इस माहौल को देखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, होली ऐसा पर्व है जो कि छोटे बड़े कोई धर्म जात पात से मतलब नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर होली मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं आपस में। और ये होली ऐसा त्यौहार है जो कि पूरे भारतवर्ष मनाया जाता है। हमारे पुराण या वेद जो कहें, भगवान श्री कृष्ण की जो मथुरा है वहाँ पे होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हम लोग ऐसा कुछ प्रयास किए हैं, अगले बार और अच्छा करेंगे। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि होली ऐसा त्यौहार है जिसमें कि हम लोग आपस में मिलके, ये सिर्फ एक दिन नहीं, हम लोग हमेशा आपस में मिलके रहें, लोगों के बारे में सोचें अच्छा उनके साथ, ठीक है, जैसे हम लोग सोचते हैं अपने बारे में कि हम अच्छा करें, दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, तब ये होली एक अच्छा मैसेज देगा। और मैं अपने बच्चों से और साथ में हमारे सहयोगी हैं शिक्षकगण, सभी से एक शुभकामना और एक संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो संस्कार होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए आपके माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से। मैं यही बस इतना ही कहूँगा। ये बातें शिक्षकों के लिए थी, क्योंकि दर्शक लोग भी जो टीवी पर बैठे हैं आपको देख रहे हैं, जी जी, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? मैं दर्शकगण से भी कहूँगा कि आपके आसपास जो भी माहौल है, होली का अभी माहौल है और साथ में हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन अपने आसपास जो लोग हैं वो खुश हैं कि नहीं? सिर्फ मैं खुश हूँ ये नहीं होनी चाहिए, हमारे अगल बगल जो लोग हैं वो लोग खुश हैं कि नहीं? साथ में हम लोग होली मनाएं, खुशियाँ बांटें, साथ ही साथ आगे आने वाले समय में भी हम लोग उनके साथ खुश रहें, समाज में खुशियाँ फैले, ये हमारी मैसेज होगी। सब लोग खुश रहें। मैं अमित कुमार, गिफ्ट अकेडमी स्कूल अहिपुरवा और महादेवा से।